राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला क्या है हमारे चारों ओर। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर। भूगोल शिक्षण के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों हेतु एक वार्ता। वार्ता का यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित भूगोल की पाठ्यपुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है। वार्ता का शीर्षक है औद्योगिक समूहन। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। ये प्रदेश ठाणे से पुणे तथा नासिक और शोलापुर के निकटवर्ती जिलों में विस्तृत है। इनके अलावा भी कोलाबा, अहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगांव जिलों में भी औद्योगिक विकास बहुत तेजी से हुआ है। इस प्रदेश का विकास मुंबई में सूती वस्त्र उद्योगों की अवस्थिति के साथ ही प्रारंभ हुआ। मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीकरण के लिए अनुकूल दशाएं थीं। 1869 में स्वेज नहर के खुल जाने के बाद मुंबई के पत्तन के विकास को प्रोत्साहन मिला। मशीनें और उद्योगों के लिए अन्य आवश्यक सामान इसी पत्तन के द्वारा आयात किया जाता था। इस उद्योग की आवश्यकता पूरी करने के लिए पश्चिमी घाट प्रदेश में जल विद्युत का विकास किया गया था। सूती वस्त्र उद्योग के विकास के साथ ही रसायन उद्योग भी विकसित हो गया। मुंबई हाई में पेट्रोलियम की खोज और उत्पादन शुरू होने से तथा परमाणु बिजली घर से अतिरिक्त बिजली की उपलब्धि से इस प्रदेश में उद्योगों के लिए और भी आकर्षण बढ़ गया। सूती वस्त्र उद्योग के अलावा यहाँ इन उद्योगों का संकेंद्रण है इंजीनियरिंग का सामान, पेट्रोलियम परिष्करण, पेट्रो रसायन, चमड़ा, कृत्रिम तथा प्लास्टिक की वस्तुएं, रसायन, औषधियां, उर्वरक, बिजली का सामान, जलयान निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र ये हैं मुंबई, कोलाबा, कल्याण, ठाणे, ट्रांबे, पुणे, पिंपरी, नासिक, मनमांड, शोलापुर, अहमदनगर, सतारा और सांगली। हुगली औद्योगिक प्रदेश। यह हुगली नदी के दोनों किनारों पर उत्तर में बंसवेरिया से दक्षिण में बिड़ला नगर तक 100 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। इसके पश्चिम में मिदनापुर में भी उद्योग विकसित हो गए हैं। कोलकाता हावड़ा इस प्रदेश का हृदय स्थल है। इसके विकास में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों का बहुत बड़ा योगदान है। इसका विकास 1662 से 1694 अर्थात 17वीं शताब्दी के अंतिम भाग में हुगली पर नदीय पत्तन के विकास के साथ ही हुआ। कोलकाता देश के अग्रणी केंद्र के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर कोलकाता रेलमार्गों और सड़कों द्वारा आंतरिक भागों से भी जुड़ गया।
इस औद्योगिक प्रदेश के विकास में ये कारक सहायक रहे हैं। असम और पश्चिम बंगाल की उत्तरी पहाड़ियों पर चाय के बागानों का विकास, प्रारंभ में नील के प्रसंस्करण तथा बाद में जूट के सामान के निर्माण, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्रों के तथा छोटा नागपुर पठार के लौह अयस्क के भंडारों की खोज। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के सघन बसे क्षेत्रों से सस्ते श्रमिकों की उपलब्धि ने भी इस प्रदेश के विकास में योगदान दिया है। ১৭৭৩ से ১৯১২ में अंग्रेजकालीन भारत की प्रथम राजधानी होने के कारण कोलकाता में अंग्रेजी पूंजी के मिलने में बड़ी सुविधा थी। 1855 में रिश्रा में जूट की पहली मिल के स्थापित होने के साथ ही इस प्रदेश में आधुनिक औद्योगिक समूहन के युग का सूत्रपात हुआ। जूट उद्योग के साथ ही सूती वस्त्र उद्योग का भी विकास हुआ। इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं कागज इंजीनियरिंग, वस्त्र उद्योग की मशीनें, बिजली का सामान, रसायन, औषधियां, उर्वरक और पेट्रो रसायन। कोना नगर में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना तथा चितरंजन में रेल के डीजल इंजन बनाने का कारखाना इस प्रदेश के पहचान के प्रमुख चिन्ह हैं। हल्दिया में पेट्रोलियम परिष्करण शाला की स्थापना से विविध प्रकार के उद्योगों के विकसित होने में सुविधा मिली है। इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, श्रीरामपुर, रिश्रा, शिवपुर, नैहाटी, काकीनाड़ा, श्यामनगर, टीटागढ़, साधपुर, बजबज, बिरला नगर, बंसबेरिया, बेलघरिया, त्रिवेणी, हुगली, बेलूर इत्यादि। अन्य प्रदेशों की तुलना में इस प्रदेश की औद्योगिक प्रगति धीमी पड़ गई है। जूट उद्योग में मंदी भी इसके लिए जिम्मेदार कारकों में से एक है। बंगलौर, तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में इस प्रदेश का औद्योगिक विकास बहुत तीव्र गति से हुआ है। सन 1960 तक उद्योग बंगलौर, सेलम और मदुरई जिलों तक ही सीमित थे, लेकिन वे अब विलुपुरम जिले को छोड़कर तमिलनाडु के सभी जिलों में फैल गए हैं। ये प्रदेश कोयला क्षेत्रों से दूर हैं, अतः इस प्रदेश का विकास 1932 में निर्मित पाइकारा जल विद्युत संयंत्र पर निर्भर है। कपास उत्पादक क्षेत्र होने के कारण सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग ने यहां अपनी जड़ें जमाई। सूती वस्त्र कारखानों के साथ करघा उद्योग का प्रसार बड़ी तेजी से हुआ। अनेक भारी इंजीनियरिंग उद्योग बंगलौर में संकेंद्रित हो गए हैं। विमान, घड़ियां, मशीनी उपकरण, टेलीफोन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इस प्रदेश की प्रमुख पहचान है। इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं
वस्त्र, रेल के डिब्बे, डीजल इंजन, मोटर, रेडियो, इंजीनियरिंग की हल्की वस्तुएं, रबड़ की वस्तुएं, दवाएं, एल्यूमीनियम, चीनी, सीमेंट, कांच, कागज, रसायन, फिल्में, माचिस, चमड़े का सामान आदि। चेन्नई में पेट्रोलियम परिष्करण शाला, सेलम में लोहे और इस्पात का कारखाना तथा उर्वरक के कारखाने नवीनतम उद्योग हैं। क्या है हमारे चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर। औद्योगिक समूहन, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, वाचिका थी वंदना रावत। विषय संयोजक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय संपादन आरपी मिश्र, आलेख एसके शर्मा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।